आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैंने जब GNC प्रोटीन का रिव्यू किया था, GNC 100% वे, तब मैंने आपको बोला था कि जब हम ऑन लेंगे तो मैं आपको ऑन का भी रिव्यू दूंगी। हाँ, हम लोगों ने ये ऑन का लिया है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड 100% वे प्रोटीन आइसोलेट, जिसको मैं आज रिव्यू करूँगी। ये जो आप ये पाउच देख रहे हैं, ये है 454 ग्राम का और इसमें 14 सर्विंग्स हैं। एक सर्विंग जो है वो 31 ग्राम की है, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। एक स्कूप जो है वो 31 ग्राम का है, जिसमें आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, 1 ग्राम शुगर मिल रहा है और टोटल फैट जो आपको मिल रहा है वो 1 ग्राम मिल रहा है, सैचुरेटेड जिसमें 0.5 ग्राम है और ट्रांस फैट 0, और सोडियम मिल रहा है आपको 100 मिलीग्राम। तो ये है एक स्कूप का कॉम्पोजिशन। इसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स में जाएं तो है इसमें प्रोटीन ब्लेंड 93%, वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन, तो तीनों चीज़ें हैं। और इमल्सिफायर में है INS 322, फ्लेवर्स हैं, थिकनर्स हैं जिसमें है INS 466, INS 415, सोडियम क्लोराइड है, स्वीटनर है, यानी कि इसमें शुगर नहीं है, इसमें स्वीटनर है, जिससे आपको जो शुगर माइनस शुगर इसमें दिया गया है। अगर आप इसके न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें माइनस शुगर दिया गया है। इट कंटेन्स परमिटेड एडेड फ्लेवर्स लाइक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, और ये वेनिला फ्लेवर है, वेनिला आइसक्रीम फ्लेवर है। इसमें एलर्जीज के बारे में बताया गया है। इट कंटेन्स मिल्क एंड सोय। दिस प्रोटीन पाउडर ड्रिंक मिक्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सुक्रोलोज एंड स्टेवियोल ग्लाइकोसाइड्स, नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, नो शुगर एडेड इन द प्रोडक्ट। बेसिकली इट इज सेइंग दैट वे प्रोटीन में जो इसका अपना जो शुगर, जो एक नेचुरल शुगर होता है वो है, इसमें एडेड शुगर नहीं है और इसमें स्वीटनर है। And contains naturally occurring sugar. This protein powder drinks mix contain artificial sweetener and for calories conscious. यानी कि जो लोगों को वेट गेन नहीं करना है या जो डाइट प्लान कर रहे हैं या जो वेट लूज करना चाहते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट ड्रिंक है। और ये किन लोगों के लिए है? बेसिकली जो एक्सरसाइज करते हैं अपनी, जिनको मसल मास बिल्ड करना है, अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उनके लिए ये प्रोटीन पाउडर है। हम लोगों ने क्यों लिया, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि मेरे फादर जो को कोविड हुआ था, उसके बाद उनका मसल काफ़ी लूज हो गई थी, वो बहुत वीक हो गए थे, वो चल नहीं पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे, अपना काम नहीं कर पा रहे थे। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था या तो आप ऑन लीजिए, दैट इज़ ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, या GNC लीजिए। तो GNC का रिव्यू मैंने कर दिया। ये मेरे फादर 2 हफ्ते से ले रहे हैं और काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। ही इज़ क्वाइट एक्टिव। और अगर कहें कि कुछ कहते हैं ना कि हम ये चीज़ छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर से हम डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, GNC लेने के बाद जब से उन्होंने ये प्रोटीन लेना शुरू किया है, उनकी परफॉर्मेंस और बेटर हो गई है। यानी कि वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, उनकी हेल्थ पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। अगर आपको इसके प्रोडक्ट के बारे में पता करना है कि ऑथेंटिक है या नहीं, तो यहाँ पर एक सील दी हुई है जिसको आपको स्क्रैच करना है, और इसमें एक कोड है, कोड को आप, इसमें एक साइट है authenticateon.in, इस पे जाकर के आपको रजिस्टर करना है और उसमें इस कोड को डाल देना है। जब आप डाल देंगे तो उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा कि यस, इट इज़ एन ऑथेंटिक प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दिया भी हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखें कि फॉर मसल्स, अगर हम इस, ये जो पैकिंग में लिखा भी हुआ है, फॉर मसल सपोर्ट एंड रिकवरी, और एक स्कूप में आपको मिलता है 24 ग्राम प्रोटीन, 5.5 ग्राम BCAA एंड 100% ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम वे, यानी कि ये पूरा वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से जब GNC का रिव्यू कर रही थी तब बताया था कि ये एक मिल्क प्रोटीन होता है, यानी कि जब मिल्क पनीर बनाया जाता है या दही बनाया जाता है या दूध को फाड़ा जाता है, तो उसमें से जो पानी होता है उससे वे प्रोटीन बनाया जाता है, विच इज़ वेरी गुड। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है वो इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, और कई बार जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट भी होते हैं उनको भी ये सूट कर जाता है, एंड इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। इसको आप कई तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि आप इसको पानी में ले सकते हैं, और इसमें लिखा भी हुआ है कि आप एक स्कूप जो है 180
या 240 ml वाटर में मिला लीजिए, मिल्क में मिला लीजिए, या फिर किसी दूसरे बेवरेज में, यानी कि अगर आप स्मूदी ले रहे हैं या कोई जूस ले रहे हैं उसमें मिलाना है तो आप उसमें भी मिला करके पी सकते हैं, और उसको 30 सेकेंड्स तक स्टर करना है। हियर इट इज़ रिटन वाई गोल्ड स्टैंडर्ड 100% वे, हम क्यों लेते हैं, तो इसमें लिखा है पैक्ड विथ 24 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन पर सर्विंग टू हेल्प बिल्ड मसल्स। वे प्रोटीन आइसोलेट इज़ द प्राइमरी इंग्रेडिएंट विथ फर्दर कार्ब्स एंड फैट आइसोलेटेड आउट। 11 ग्राम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग असेंशियल अमीनो एसिड्स टू सपोर्ट मसल रिकवरी। द गोल्ड स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोटीन क्वालिटी फ्यूलिंग ओवर 2 बिलियन वर्कआउट रिकवरीज वर्ल्ड वाइड सिंस 1998। सो दे आर सेइंग कि हम इसको ही क्यों लें, क्योंकि ये काफ़ी पुराना ब्रांड है, 1998 से ये ब्रांड जो है वो मार्केट में है, और इसमें आइसोलेट जो प्रोटीन है और उसके साथ आपको फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं। इट इज़ ग्लूटेन फ्री। ये जो प्रोटीन है ये हमने न्यूट्रा बे से लिया है, और ऑथेंटिसिटी आप पता कर सकते हैं, इसमें बताया गया है। और इसका जो प्राइस है, जो ये जो 454 ग्राम का पाउच है और इसका जो प्राइस है वो है 1899। न्यूट्रा बे से जो हम जब हमने इसे लिया तो ये 1709 का पड़ा। आपको Amazon और Flipkart से भी ये मिल सकता है। इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 24 मंथ्स है। सजेस्टेड यूज़ इसमें लिखा गया है फॉर हेल्दी अडल्ट्स, कंज्यूम इनफ प्रोटीन टू मीट योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई प्रोटीन फूड्स एंड प्रोटीन सप्लीमेंट थ्रू आउट द डे एज अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम। रिकमेंडेड यूसेज ऑन सर्विंग पर डे, वो मैंने आपको बता दिया है। नोटिस, यूज़ दिस प्रोडक्ट एज अ न्यूट्रास्यूटिकल ओनली। दिस प्रोडक्ट इज नॉट अ सोल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड शुड बी कंज्यूम्ड इन कंजंक्शन विद न्यूट्रिशियस डाइट एंड अप्रोप्रिएट फिजिकल ट्रेनिंग और एक्सरसाइज प्रोग्राम। दिस प्रोडक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोज, ट्रीट, क्योर, प्रिवेंट एनी डिजीज, नॉट टू एक्सीड द स्टेटेड रिकमेंडेड डेली यूज। इट इज सेइंग कि आप इससे कोई बीमारी ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ये एक सप्लीमेंट है, इसके साथ आपको बैलेंस डाइट कंबाइन करनी पड़ेगी, यानी कि ये सिर्फ आपको प्रोटीन दे रहा है, आपको और भी चीज़ें कंबाइन करनी पड़ेगी, और सिर्फ 24 ग्राम प्रोटीन आपको मिल रहा है, तो जो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट होती है वो आपके वेट के हिसाब से होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले ही बताया, इफ़ योर वेट इज 60 kg देन 60 ग्राम प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड रेगुलरली। तो आप 24 ग्राम अगर इससे पूरा कर रहे हैं तो आपको दूसरी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो एक दिन में पूरी करनी होती है वो दूसरे सोर्सेज से आप पूरा करेंगे। सो इट इज़ अ गुड प्रोटीन, यू कैन इंक्लूड इट इन योर डाइट। इट इज़ नॉट, आई वुड नॉट से इट इज़ कॉस्टली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, तो हेल्थ के लिए कर सकते हैं। हाँ, और मैंने आपसे एक चीज़ और बोली है जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो लोग यंग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया इसलिए हमने ये लिया, आई वुड सजेस्ट कि आप नेचुरल सोर्सेज से ही अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करें। प्लांट प्रोटीन लीजिए, एनिमल प्रोटीन लीजिए, आप सारी रिक्वायरमेंट उससे पूरी कीजिए। लॉन्ग टर्म में इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है ये मैं आपको नहीं बता सकती, बिकॉज आई हैवेंट एंड आर इन आर फैमिली नोबडी यूज इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि अभी मेरे पापा का ये इशू चल रहा था वीकनेस का, तो उन्होंने यूज़ किया है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ इस प्रोटीन के बारे में कि इसका गोल्डन स्कूप आता था पहले जो मैंने यूट्यूब में देखा, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ टू सेव एनवायरमेंट दे हैव कम टू दिस स्कूप, यानी कि ये स्कूप का कलर चेंज हो गया, इस तरीके का स्कूप आता है अब, पहले इसमें गोल्डन स्कूप आता था। तो ये आप डरिएगा नहीं कि अगर आपका आपने रिव्यू लिए हैं, देखे हैं पुराने यूट्यूबर्स के जिन्होंने गोल्डन स्कूप दिखाया था, तो इट इज़ बिकॉज कि ये कंपनी की तरफ से ही चेंज होकर के आया है टू सेव, टू अवॉइड ग्लोबल वार्मिंग। बहुत सारी चीज़ें होती है, रिसाइकल होने में प्रॉब्लम होती है गोल्डन प्लास्टिक को, इसलिए कंपनी ने जो है ये ट्रांसपेरेंट स्कूप दिया हुआ है, एंड इट इज़ फ्रॉम द कंपनी, सो इट इज़ एन ऑथेंटिक स्कूप, और उसकी वजह से आप परेशान ना हो। आज के लिए इतना ही, जितना मुझसे हो सका उतना मैंने आपको ये रिव्यू करके बताया है, और ऑनेस्ट रिव्यू है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं और अपने कमेंट्स नीचे डाल सकते हैं। बाय एंड टेक केयर।